नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया, फिर से एक बार बताऊंगा, लग्न किसको बोलते हैं, वी रिमेम्बर दिस। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में मेष राशि में चंद्र है, आपकी कुंडली में जहां भी एक लिखा है वहां चंद्र है, तो आप समझते हैं आपकी मेष राशि कन्फर्म है, मेष राशि है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं फिर आप गलत कर रहे हैं। आपके कुंडली में जहाँ सूर्य लिखा है वहाँ एक है, तो आप सोचते यू आर एरिस, नहीं वो भी आप एरिस नहीं है। आप हमारी गणनाओं के हिसाब से, लग्न के हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। देखिए, लग्न कुंडली होगी आपकी, अगर ऐसे वीडियो देखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। पहले घर में, लग्न कुंडली के पहले घर में, अगर पहले घर में एक लिखा है लग्न कुंडली में, तो पहली राशि है जो आपका लग्न है, तभी आपका मेष लग्न है, फर्स्ट राशि इज अ मेष एरिस। तो ये वीडियो देखिएगा। इस बार मैं मेष लग्न के लिए, मेष वालों के लिए देख रहा हूँ। भाग्य में एक साथ देखिए, चार ग्रह तो ऑलरेडी है वहाँ भाग्य में, आपके लक हाउस में देर इज ए गुरु, केतु, शुक्र, शनि, ये चार तो बैठे ही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मल करने की चक्कर में है वो चारों चार। और सूर्य भी आ रहे हैं 16 दिसंबर से, सूर्य महाराज भी आपके भाग्य में आ रहे हैं, और बुध भी स्पीड पकड़कर वो भी 25 दिसंबर से 12 जनवरी में। बुध और सूर्य ज्यादातर देखिए, सूर्य बुध और शुक्र आजू बाजू ही होते हैं, किसी भी कुंडली में देखिएगा, एक घर दो घर आजू बाजू ही होते हैं। तीन ग्रह की युतियां हमेशा होते रहती है आपके चार्ट, किसी भी चार्ट में दो तीन ग्रह की युतियां कॉमन है, लेकिन एक साथ 6 ग्रह का पूरा फ्लावर बैठ गया है आपके भाग्य में। अगर इस बार का मौका चुके तो यू आर आई कैन से द स्टूपिड पीपल, मौका है। और देखिए, ये टाइम ऐसा है कि आप गलती नहीं करें। आपको देखिए, कभी कभी देखिए, इस महीने में ग्रहण भी हुआ है 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन देखिए, ये 26 दिसंबर को कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोज एरीज दो डोंट वांट टू चेंज देयर जॉब और दे डोंट वांट टू चेंज इन देमसेल्फ, खुद में बदलावट नहीं लाते, उनको कहीं से धक्का मिलेगा सूर्य ग्रहण से, भाग्य के ग्रहण से। देखिए, इतने सारे ग्रह हैं भाग्य में, वो कहीं ना कहीं भाग्य का ग्रहण होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सूर्य जब भी ग्रहण ये या पाप ग्रह, जब भी 3rd, 6th, 9th and 11th ये चार भाव में जब भी होते हैं, तब ये अच्छा रिजल्ट देंगे आपको ये ग्रहण। अगर आप बहुत टाइम से अगर मौका हाथ में आने की राह देख रहे हैं, तो ये एरिस वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करूंगा, लेकिन पहले एरिस वालों को एक बात बता दूं कि 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक कीप योर आईज ओपन, 10 नवंबर से आपका मीटर डाउन हो चुका है, और 24 दिसंबर के पहले अब बिग चांस। देखिए, चांस है एक ऐसी चीज है जिसको आगे से आप पकड़ सकते हैं, पीछे से उसकी चोटी नहीं पकड़ सकते, उसकी शेंडी नहीं पकड़ सकते, अगर एक बार चली जाए तो फिर चांस खत्म हो गया। सो ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर चांस विल कम इन ऑन द डोर। और अगर ऐसे वीडियो देखने का कोई और मकसद हो तो बात डिफरेंट है, बट अगर जो आपको भविष्य से कोई कनेक्शन आप चेंज करना चाहते, यू हैव टू टेक द रिस्क, दिस इज द करेक्ट टाइम। देखिए, 8वां गुरु था लास्ट टाइम, लास्ट ईयर मतलब 5 नवंबर के पहले गुरु भी 8वां था, 5 नवंबर से गुरु धीरे से आपके भाग्य में आया, ये कहीं ना कहीं देखिए आपको मौका देगा ही देगा। आपका अगर जो उम्र जरा ज़्यादा है तो वजन बढ़ेगा भी इस साल, बढ़ते हुए वजन के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। भाग्य का गुरु 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, आपका वजन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ कई रिलेशन स्पॉइल हुए तो उसको भी एरिस वालों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। देखिए, एरिस का तृतीय और षष्ठेश एक ही ग्रह, भाई बहनों के साथ बिगड़ जाना कॉमन है एरिस के लिए और लिब्रा के लिए कॉमन है, तृतीय और षष्ठेश एक ही ग्रह है इसके लिए। और दूसरी बात देखिए, भाग्येश और वेश भी एक ही ग्रह, यानी कि बहुत ज्यादा सेविंग करने वाले लोग आप लोग नहीं है। भाग्येश और वेश जो भाग्य से मिलता है उसको आप बहाते भी है, स्पेंड भी करते हैं, एक्सपेंसिव। 12वें स्थान में भाग्येश और वेश एक ही ग्रह होने की वजह से एक्सपेंसिव भी साबित होते हैं, आप लोग बहुत एक्सपेंसिव है, ये आपका नेचर है। अभी देखते हैं डेट बाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 17 नवंबर से 15 दिसंबर पिता के हेल्थ के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है, खुद की हेल्थ के लिए माइनस पॉइंट है, सूर्य अष्टम में है आपके, बट कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़े मौके से आप गुजर रहे हैं। 16 दिसंबर से 14 जनवरी में सूर्य महाराज भी आपके भाग्य में आके, देखिए गुरु की आस्पेक्ट आपके संतान स्थान पे भी है, नवी दृष्टि
यानी कि इस बार अगर स्टूडेंट है तो आपको अपने कॉलेज स्कूल कॉलेज में आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। भाई बहन अनमैरिड है तो उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी मौका मिलेगा, आपको दिखाई देगा, भाई बहन का मैरिज लाइफ भी थोड़ा ट्यूनिंग में आ जाएगा गुरु कृपा से। आने वाले 8-10 महीने के दौरान गुरु कृपा पूर्ण गुरु कृपा आप पर है, ये मान के चलिए। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क देखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में ऐसे ही रहते हैं एरिस वाले या वेरी एनर्जेटिक एंड देयर इज दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। आपकी बड़ी एक बात है भैया सेनापति, ये अपनी तलवार पर खुद भरोसा कर, एरिस खुद के ताकत पर खुद का भरोसा और बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव और बहुत ईगो, सबसे पटता भी नहीं, ये सबसे पटता मतलब सबसे जमेगा भी नहीं एरिस है। आप ज़्यादातर बहुत अपने ईगोपना में बड़ा माइनस पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं एरिस। अभी देखिए सूर्य का मैंने बताया, फिर मंगल का बता रहा हूँ कि मौका आपके डोर पर है, 24 दिसंबर के पहले मौका हाथ में उठा लो। और ये हो सकता है मौका, देखिए अब इफ यू आर अनमैरिड तो विवाह का भी चांस आएगा क्योंकि भाग्य में गुरु है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। सप्तमी शुक्र के साथ गुरु है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज लाने के चक्कर में है। 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक बाद में अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, धोखों से केयरफुल रहना है, चीटिंग से। बाकी अभी प्रेजेंटली योर टाइम इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बहुत अच्छे मौके के पास तरफ है आप। 7 नवंबर से 4 दिसंबर देखिए वाइफ के साथ का ट्यूनिंग, देखिए मैं तो समझता हूँ 10 नवंबर से 24 दिसंबर में वाइफ के साथ ट्यूनिंग भी अच्छा कर पाएंगे आप, और काम धंधे में मौका आपके हाथ में है 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। देखिए वाइफ यानी कि पति या पत्नी, उसकी जबान बहुत चलती हुई दिखाई देगी, मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत बोलेगा आपका, बुध अष्टम में आ जाएगा। पत्नी या पति की वाणी बहुत बोलता है, टॉकेटिव, सेकेंड हाउस में आना मर्क्यूरी यानी आपका टॉकेटिव, और ये अष्टम में आना यानी कि आपके स्पाउस का टॉकेटिव बना का आपको नेचर आपको दिखाई देगा। और गुरु पूरे साल भर के लिए पॉजिटिव है। अगर आप ज्योतिष को जान अब बिलीव करते, देखिए हम लोग ज्योतिष के मौके पर कुछ चीज़ें हम लोग जो स्टोन जैसी चीज़ें प्रीफर करते हैं या बताते हैं, तो गुरु अभी भाग्य में आया है, ये आपके लग्न को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है। आपका कोई भी काम अटका है तो आप गुरु धारण कर सकते हैं कम से कम 1 साल के लिए, 1, 2, 3 साल, 9वां, 10वां और 11वां, 3 साल के लिए आपको गुरु पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टू द बेस्ट। ये 3 साल का गुरु आप पहन सकते हैं, गुरु को पहन के बल दीजिएगा गुरु को और आपके शुभ कार्य में और हेल्पफुल हो जाए। शुक्र जैसा ग्रह देखिए आपके भाग्य में है 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक। ये स्पाउस के साथ का कोई रिलीजियस सफर, ये रिलीजियस सफर करने वाला साउथ स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ कोई ना कोई सफर आपको करना पड़ेगा, इट विल बी अ रिलीजियस सफर 21 नवंबर से 14 दिसंबर में। 15 दिसंबर से देखिए आपका सप्तमेश ये कर्मस्थान में जा रहा है मकर, यानी कि कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में पार्टनरशिप का मौका मिल सकता है। पत्नी आपके कर्मस्थान में हेल्पफुल हो सकती है, पत्नी का आपके कर्मस्थान पर कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकती है, हेल्पफुल साबित होगी, मतलब टाइम आपके बहुत फेवर में। जनवरी तक कर्मस्थान पर अभी शनि ने पैर नहीं रखा है, कर्मस्थान में शनि पैर रखेंगे 24 जनवरी 2020 में, लॉर्ड ऑफ द 10th भी 10th में आएगा, काम का जिम्मेदारी आने वाले दिनों में शनि की कृपा से बढ़ेगा। शनि मंदिर में जाते हो तो बेस्ट है, प्रे सैटर्न डेफिनेटली आपके कर्मस्थान से 12वां है, कहीं ना कहीं से देखिए मौका अच्छा मिलने ही वाला है, टेक द एडवांटेज। राहु जैसा ग्रह थर्ड हाउस में भाई बहन के स्थान में, कहीं ना कहीं भाई बहन में आप देखते हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातें, कहीं ना कहीं कमीनेस काफ़ी आपने देख ली, और आने वाले टाइम में देखिए आपकी हिम्मत भी बहुत बड़ी है राहु के कारण थर्ड हाउस के, अभी गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा राहु के ऊपर। भाई बहन के साथ कोई ट्यूनिंग करना चाहते तो वो ट्यूनिंग आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये महीने में सूर्य ग्रहण है अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है उसमें, 26 दिसंबर को, और धनु राशि का आपके लिए भाग्य में आया हुआ ग्रहण है, यानी कि कहीं ना कहीं से अगर आप किकआउट भी होते हैं, बहुत टाइम से आप राह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से किकआउट भी हुए तो भी एक बात ध्यान में लीजिएगा कि ये कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि आगे वाला भविष्य अगर वो जब तक वो पीछे छोड़ता नहीं, क्रिएशन के हाउस में आए, भाग्य है वो क्रिएशन है हमारा, हमारा सर्जन है 5th हाउस, ये हमारा बच्चा यहाँ है और हमको क्रिएट करने वाला हमारा भाग्य है, और ये भाग्य में आया हुआ गुरु है
ये आपको तोड़ेगा फोड़ेगा और फिर मरोड़ के फिर नया बनाएगा। ये नया बनाने का जो क्रिएशन का जो समय है उस समय से आप गुजर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आने वाला 2.5 साल जनवरी के बाद बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सैटर्न आपके कर्मस्थान में, बट ये कहीं ना कहीं से आने वाला ये दिन आपको बहुत, ये महीना दिसंबर आपको बहुत बड़े मौके की कगार पे खड़ा कर देगा। 24 दिसंबर तक मौके को हाथ में ले सकते हैं, 25 दिसंबर से आपके फिर रॉन्ग हो जाएंगे आप, इस बात को समझ लीजिएगा। 24 दिसंबर तक मौका हाथ में है, अपने आप को स्टडी कर लीजिए, अपने आजू बाजू का सिचुएशन को स्टडी करिए और स्टेप लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, ये महीने में चंद्र गुरु का ज्यादातर, देखिए मैं अभी आपको लॉजिक बताता हूँ, चंद्र गुरु के साथ आता है महीने में 2 दिन, चंद्र गुरु के सामने आएगा 2 दिन, 2.25 दिन, और केंद्र में आएगा, यानी कि कन्या और मीन में जब चंद्र हो तब वो गुरु उससे केंद्र में आता है 90 डिग्रीज में, 1, 2, 3, 30 डिग्रीज का, 90 डिग्रीज का चंद्र गुरु का गज केसरी योग। 6 दिसंबर को गज केसरी योग बनेगा, 13 दिसंबर को बनेगा, 19 दिसंबर को बनेगा और 26 दिसंबर को गज केसरी योग बनेगा। उसमें से सबसे अच्छा गज केसरी योग देखिए वो मिथुन वाला आपको मिलेगा, ये वाला चंद्र गुरु का प्रतियुति, ये वाला वो भी आपके लिए। देखिए चंद्र गुरु की प्रतियुति 13 दिसंबर से भाग्य को मौका मिलने वाले को, वहां आपको चंद्र का भी वहां से एक और सपोर्ट हो जाएगा। महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां चंद्र का सपोर्ट, यानी कि ये महीने में बहुत सारे प्लेनेट आपके भाग्य को धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर एजुकेशन छोड़ा होगा तो एजुकेशन रीजॉइन हो सकता है, आप स्टूडेंट हैं तो देखिए ये महीने का मैक्सिमम फायदा लो और छा जाओ सब जगह, ये महीना है ही छा जाने के लिए और ये टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए। जहां जहां देखिए ये कन्या का चंद्र और मीन का चंद्र, ये इसको इतनी तारीफ करने लायक नहीं है, यहाँ तो ग्रहण हुआ है धनु के चंद्र में, यहाँ तो धनु वाले में तो ग्रहण हुआ है। मिथुन और कन्या में देखिए 6वां, ये कन्या और मीन में 6वां और 12वां हुआ है, तो यहाँ ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। कन्या एक तो देखिए ये मीन, यानी कि 6 दिसंबर का जो ग्रह केसरी योग है इसमें ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको, और दूसरा यहाँ एक तो कन्या का है और एक मीन का, तो ये मीन का तो मैंने बताया आपको ज्यादा लाभदायक नहीं है, यानी कि 5 से 7 दिसंबर वाला, 6 दिसंबर को जो गज केसरी योग हुआ है वो ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगा आपके लिए। ये चंद्र गुरु का प्रतियुति, ये देखिए ये अच्छा है मिथुन वाला, ये आपके लिए ये भी अच्छा साबित होगा, चंद्र गुरु की प्रतियुति वाला बेस्ट साबित होगा मिथुन का। धनु का तो यहाँ ग्रहण लगा हुआ है तो ये थोड़ा ध्यान रखने लायक है, बट ये मैंने बोला ऐसा, इफ यू आर नॉट मूविंग, आपको किकआउट भी कर दिया जाए तो भी एक बात समझ लीजिएगा, रास्ता बहुत आने वाला उजाले से भरा होगा, ये बात कंफर्म है। और कन्या और मीन का मैं बता रहा था, मीन का ये वाला बहुत अच्छा नहीं, कन्या का ये भी बहुत अच्छा नहीं और ये भी बहुत अच्छा है, खाली का बेस्ट होगा वो जैमिनी वाला गज केसरी योग आपके लिए 13 दिसंबर वाला, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अभी देखिए 30/11 से 5 दिसंबर कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, कोई ना कोई नया मौके को प्लान आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, दिस इज द टाइम, ये टाइम आप दोस्तों के साथ 30 नवंबर से 5 दिसंबर में फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं या अपने को वर्करों के साथ, को दोस्तों के साथ, को ऑफिस के जो को वर्कर है या को आपके साथ है, को स्टाफ है आपका, उसके साथ काम करते करते कहीं ना कहीं आप आपकी आइडिया निकाल सकते हैं, कोई ना कोई मीटिंग में कुछ ना कुछ आपको लिंक मिल सकता है। 30 नवंबर से 5 दिसंबर में आपके हाथ में पैसा भी अच्छा खासा आना चाहिए और दिस इज द टाइम टू एंजॉय। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर को मार्क करके रखिएगा, दिस इज द टाइम ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन, पर्टिकुलरली ये महीने में सबसे मुश्किल भरा तनाव भरा दिन रहेगा आपके लिए 6 दिसंबर से 10 दिसंबर, और इसको हो सके तो टालिएगा। हो सकता है देखिए आपके बढ़ते कदम को रोकने का कोशिश 6 दिसंबर से 10 दिसंबर आपके शत्रु पक्ष करेगा आपका, और इस दिन को देखिए एज यूजुअल कोई ना कोई स्टूपिडिटी करके, फुलिशनेस करके अपने हाथ में आया हुआ मौका नहीं गवाइए। सो कीप अ मम, चुप रहिएगा 6 दिसंबर से 10 दिसंबर में, चुप रह के समझने की कोशिश करिएगा और इस दिन को कैलेंडर पे लिख के रखिएगा, और प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा व्हाट वाज योर ओपिनियन। और 11 दिसंबर से 15 दिसंबर अभी आप अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करने लग जाए, यू विल स्टार्ट टू स्टडी योरसेल्फ, क्योंकि अभी मौका है आपको दिखने भी लग जाएगा। 11 से 15 दिसंबर में आप अपने आप को, आप एनर्जी से भर जाएंगे, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी, और कहीं ना कहीं से इस मौके के किस तरह से एडवांटेज लेना है इसको प्लान करने लग जाएंगे 11 से 15 में।
16 से 20 दिसंबर आपके हाथ में पैसा आएगा, थोड़ा पारिवारिक झंझटों में रहेंगे लेकिन पैसा भी अच्छा आएगा, आप आपके हाथ में लिक्विड आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप मांग सकते हैं। इन दिनों में कहीं ना कहीं से आपका पर्स भरा रहेगा। 16 से 20 दिसंबर में आप फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान पाएंगे। 16 से 20 में 21 से 25 आपके भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं देखिए वह राहु है उसके ऊपर से मंगल जा रहा है और कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ का रिलेशंस में पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, दे आर ओपन हो जाएंगे वो। 16 से 20 दिसंबर का तो मैंने बोला पैसे के बारे में बोला, 21 से 25 में भाई बहनों को ओपन होना पड़ेगा, या तो आप उनके साथ कहीं ना कहीं उलझेंगे उनको ओपन करने के चक्कर में, भाई बहन के साथ का देखिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप 21 से 25 में। 26 से 30 दिसंबर आप यू विल बी फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे गेस्ट आते होंगे आपके 26 से 30 दिसंबर में, ये अबाउट ये क्रिसमस का दिन 26 से 30 दिसंबर क्रिसमस वैकेशन है, यू विल फाइंड हैप्पी योरसेल्फ एट होम, घर में गेस्ट आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं आप बड़े आनंद में हैं और माँ के साथ मम्मी के साथ का रिलेशन है मन की शांति के साथ, कहीं ना कहीं आप यू विल फाइंड पीस ऑफ माइंड एट होम। और 31 तारीख फिर से कोई नई आइडिया सोचने में लग जाएंगे क्योंकि अभी भी देखिए मौका हाथ से चुका नहीं, 25 दिसंबर से मौका छुप चुके हैं, अभी 31 दिसंबर से नई स्ट्रेटेजी पे आप आएंगे। अगर मौका आपने ग्रेप कर लिया है तो फिर और अच्छी बात है, आगे और प्लानिंग करने के लिए 31 दिसंबर और फर्दर प्लानिंग के लिए काम आएगा। 31 दिसंबर दिस इज द 31 दिसंबर इज अ डे फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए आपके सर्जन के लिए कुछ न कुछ नई आइडिया के लिए 31 दिसंबर बहुत बड़ा रोल करेगा और 31 दिसंबर विल बी वेरी गुड। ऑन एन एवरेज देखिए आपके प्लीज़ मुझे सुझाव जो भी आपके सजेशन है वो लिखिएगा, कुछ और हो तो भी शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली मैं देखता हूँ मैं पढ़ता हूँ और ये मेरे को कोई शिकायत नहीं है अगर आप ऐसा भी लिखते हैं कि यू आर नॉट एग्री ऑन सो एंड सो डे, बट इफ़ यू आर नॉट एग्री आपने क्या मेरे बोलने से विपरीत पाया ये डेफिनेटली लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्ते।